अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पकौड़ा करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। जिसके लिए सबसे पहले जो है मैंने जो है वो बटर मिल्क लिया है। आप जो है यहाँ पर दही का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने बटर मिल्क यूज़ किया है। बटर मिल्क के अंदर जो है वो ग्राम फ्लोर बेसन डाला है, साथ में टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर एंड सॉल्ट टू टेस्ट डाला है, और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें लम्स ना बने। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसको जो है वो स्टोव पे रख के इतनी देर पकाना है कि इसका जो है जो बेसन है वो अच्छे से कुक हो जाए। एटलीस्ट 5 to 10 minutes तक इसको अच्छे से कुक करना है। बेसन जो है वो थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। उसके बाद जो है वो पकोड़े की प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए सबसे पहले जो है वो जो प्लेट में मसाला ले, जिसमें चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, सोडा है, सॉल्ट है, ज़ीरा पाउडर है, क्रश चिली ज़ीरा पाउडर है और क्रश कोरिएंडर पाउडर है। अगर आपके पास क्रश कोरिएंडर पाउडर ना हो तो आप जो है वो पीसा हुआ भी कोरिएंडर धनिया पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बाउल में सबसे पहले जो है वो बेसन ऐड करना है, उसमें सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, साथ में वाटर ऐड करना है। वाटर को स्लोली ऐड करना है, इतना ज़्यादा लिक्विड पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा बेसन का थिक पेस्ट बनाना है। ज़्यादा लिक्विड पेस्ट बनाने से जो है वो प्रॉपरली पकौड़े नहीं बनते हैं। बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें स्लोली से ऑनियंस ऐड करनी है, जो कि स्लाइस ऑनियंस होंगे। मिक्स करते जाना है, जितनी क्वांटिटी नीड होगी बस उतने ही ऑनियंस ऐड करनी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है ऑनियन को बेसन में। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके छोटे छोटे पोर्शंस बना के जो है वो डीप फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई करने के टाइम पर जो है वो डालने के बाद जो है उसको स्पून नहीं लगाते हैं। आफ्टर 5 minutes जो है उसको करना होता है स्पून से। अगर डालते ही, अगर ऑयल में फ्राई करने के टाइम पे डालते ही अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो ये पकौड़े टूट जाएंगे। आफ्टर 5 minutes जो है आप इसकी साइड चेंज करें और इसको जो है फिर वो बहुत अच्छे से कलर आ जाता है। और जो है इसमें जो है वो आप जो है अगर चाहे तो ऑनियन ना ऐड करें, अगर ऑनियन ऐड करना हो तो टेस्ट जो है वो इन्हेंस हो जाता है। अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप ना ऐड करें। साथ में इसके साथ में तड़का बना लगाते हैं। तड़का के लिए सबसे पहले जो है वो ऑयल ऐड करना है। ऑयल के बाद इसमें जो है वो ऑनियन ऐड करनी है, ऑनियन तब तक गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद इसमें जो है वो करी लीव्स ऐड करनी है। करी लीव्स ऐड करने के बाद इसमें लहसुन के जो है वो स्मॉल पीसेस क्रश चॉप करके डालने हैं। साथ में जो है वो 1/2 teaspoon जो है इसमें जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है, जिससे जो है वो कड़ी का जो है कलर जो है ना वो अच्छा आता है। साथ में जो है वो 1/2 teaspoon इसमें ज़ीरा ऐड करना है, साबुत ज़ीरा ऐड करना है तड़के में। प्लेटिंग के लिए सबसे पहले इसमें पकोड़े ऐड करने हैं। पकोड़े के बाद इसमें जो है कड़ी ऐड करनी है। कड़ी के बाद इस पर तड़का ऐड करना है। उसके बाद लास्ट में जो है इसमें चाट मसाला ऐड करने से जो है इसका टेस्ट जो है वो और इन्हेंस हो जाता है चाट मसाला ऐड करने से। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।